हिमाचल दे मंडी दा कमला किला इतिहास विच कई लड़ाइयां दा गवाह है, पर अज ये किला अपनी होंद लई लड़ाई लड़ रहा है। एक समा सी जद बहुत सारे राजियां ते अंग्रेज शासकां लई इस किले ते फतेह हासिल करना असंभव सी, पर समय दे नाल सरकारी बेरुखी दी मार अजिही पई कि खुद च इतिहास नूं संजोई बैठा है किला अज अपनी दुर्दशा ते हंजू वहा रहा है। किला अब ख़त्म ही है। जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ काफ़ी तोहफे वगैरह थी, चक्कियाँ थी और बहुत चीज़ें थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे नहीं रही है, एक दो ही बची है यहाँ पर, बाकी नहीं है। तो अगर वो यहीं होती तो पर्यटक उसके देखने के लिए बाहर से लोग काफ़ी आते। धर्मपुर विधानसभा हल्के के कमला पिंड का एक किला मंडी जिला हेडक्वार्टर तो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 4500 फुट ऊंचाई से स्थित इस किले का निर्माण कार्य मंडी जिला राजा हरी सेन ने साल 1605 विच शुरू किया सी, पर उन्होंने जीवन काल दौरान इसका निर्माण पूरा नहीं हो सकया। फिर राजा हरी सिंह के पुत्र सूर्या सेन ने अपने पिता का अधूरा काम 1625 ईस्वी विच पूरा किया। ऊंचाई से बनया होने कारण एक किला दुश्मन की पहुंच तो बहुत दूर सी। औखी चढ़ाई दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिंदी सी अते किले तक पहुंचना दुश्मनों लई एक सुपने वर्गा हुंदा सी। यही कारण है कि इस किले नूं अपहुंच मन्या जांदा सी। यात्री लोगों के लिए लगभग कोई भी सुविधा नहीं है, कोई मंदिर के नजदीक कोई बाहर जाने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है। अगर बने तो नीचे बने हुए आधा किलोमीटर नीचे लगभग, तो यहाँ कोई भी रहने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है जी, यात्रियों को भी कर्मचारियों को भी। 17वीं सदी विच राजा ईश्वर सेन दे राज दौरान कांगड़ा दे राजा संसार चंद ने कमला किले उत्ते कब्जा करने की साजिश रची सी, पर उन्होंने कोई सफलता नहीं मिली। शाही राज समय किले उत्ते बहुत सारे हमले हुए पर किला अपहुंच रहा। अंत विच सिखा ने बहुत मुश्किल नाल कमला किला जित लिया। 1845 विच राजा बीर सेन ने अंग्रेजा की सहायता नाल कमला किले नू आजाद करवा दिता अते साल 1846 विच एक किला अंग्रेजी शासन अधीन मंडी रियासत का माण बन गया। एक ऐतिहासिक किला है और उसमें बहुत सारा स्कोप है कि हम उसको अच्छे से डेवलप करें, टूरिस्ट के दृष्टि से भी वो डेवलप हो सके। पूरे उसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार के माध्यम से उसको या राज्य सरकार के माध्यम से स्पेशल फंड्स के साथ उसको हमें रिटेन करना पड़ेगा। पर जैसे हम टूरिस्ट की दृष्टि से उसको बना देंगे, ज़्यादा टूरिस्ट इसमें आ पाएंगे, उसको हम बेटर उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में ही वो उसका संरक्षण भी अच्छे तरीके से होगा और जो वहाँ पर है उसको हम अच्छे तरीके से उसका आगे भी रख रखाव कर पाएंगे। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਖੰਡਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਏਟੀਵੀ ਭਾਰਤ। ਟੂ ਵਾਚ 24x7 ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਏਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਐਪ।